भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते आपको। छत्तीसगढ़ में 12% ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है, पूर्व में भी बहुत सारे बच्चे फेल हुए, स्कूल नहीं जा रहे, तो ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर किस तरह उसके बारे में भी हम योजना बना रहे हैं। और अभी हमने निर्णय लिया है कि अभी तक 8वीं तक के बच्चों की परीक्षा बंद कर दी गई थी, अब बच्चों की परीक्षा होगी और भले उनको प्रमोशन दे दिया जाए परंतु परीक्षाएं होंगी तो परीक्षा का एक जो माता पिता में भी बच्चों में भी एक जो डर होता है और साथ में एक अच्छे नंबर लाने की प्रतियोगिता होती है तो उसके कारण बच्चों का शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। आठवीं तक ये प्राइवेट स्कूल तो थोड़े से निरंकुश हो जाता है, बहुत सारे आदेशों को निभाते हैं। आपने जो जो हमारे निर्देश हैं वो निर्देश निजी स्कूलों को भी मानने की बाध्यता होगी। ये 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की, सरगुजा जिले में आदेश जारी हो गया लेकिन बाकी जिलों में नहीं। पत्र आपने लिखा था मैं स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की 22 जनवरी को छुट्टी की घोषणा करता हूं।